पेश है क्राइम टुडे न्यूज। देखते रहिए माशरे की खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं जारा शेख, क्राइम टुडे न्यूज। एक ऐसा स्कूल जहां पर छत नहीं, दीवारें ऐसी कि कभी भी गिर सकती है, पानी नहीं, लाइट नहीं, आखिर ये कौन सा स्कूल चला रहे हैं? लाखों रुपए हुकूमत की जानिब से दिए जाने का वादा करती है हुकूमत, लेकिन ये पैसा जा कहाँ रहा है? खाना दिया जाता है लेकिन डालने वाला कोई नहीं, लड़कों को ही डाल लेना रहता है। पानी कई दूर से लड़कों को लाना पड़ता है। लड़के यहाँ पे पढ़ाई पढ़ने नहीं बल्कि काम करने के लिए आते हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? अब वो दिन दूर नहीं कि तेलंगाना और हैदराबाद के उर्दू मीडियम स्कूल बंद हो जाएंगे। जी हाँ, आप देख सकते हैं अहमदनगर हस्तांसर के गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल की हालत क्या है। ये लोग जो सियासतदान हैं, वो सिर्फ हमारे जज्बात से खेलते हैं और वोट मांगने के लिए आते हैं, और जब जीतते हैं, जब इख्तदार में आते हैं तो हमें भूल जाते हैं और सारे के सारे वादे भी भूल जाते हैं। हम बारहा याद दिलाने के बावजूद उनको कोई तवज्जो नहीं होती। देख सकते हैं आप स्कूल की क्या हालत है। यहाँ पे लड़कों के लिए बाथरूम नहीं, दो दो दिन का खाना मिलता है और खाना डालने के लिए कोई मौजूद नहीं। टीचर का स्टाफ कम है और जो आते हैं वो अपने पर्सनल काम करते हैं, और लड़कों की ये हालत, दीवारें भी कभी भी गिर सकती हैं। क्यों ऐसी सियासत करते हैं हमारे लोग? एजुकेशन के लिए, लड़कों के लिए कम से कम इस तरह तो तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन याद रहे, इतिहास गवाह है, जब जब इस तरह का जुल्म बढ़ता गया तब तब अवाम का गुस्सा भी बढ़ता गया, और जब अवाम पलटेगी तो फिर हुकूमतों की हुकूमत गिर जाएगी, बादशाहों की बादशाहत नहीं रही, तो ये तो क्या हुकूमत है। वक्त रहते पर माइनॉरिटीज को समझना चाहिए के चंद्रशेखर राव को, और वादे कम काम ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि हर हुकूमत हमारे साथ इसी तरह का बर्ताव की सिर्फ हमारे जज्बात से खेलते हैं, और जब वक्त आता है तो पलट जाते हैं। और यहाँ के जिम्मेदारों को भी चाहिए कि एक दूसरे पर इल्जाम लगाने की बजाय काम करके बताए, ताकि आने वाले इन बच्चों का मुस्तकबिल सही हो। मोहम्मद गौस के साथ क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। आपका नाम? मेरा नाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान है और मैं इस स्कूल का एसजीडी हूँ। यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर आके 1.5 साल हो गए, लास्ट ईयर 2014 ट्रांसफर में यहाँ पर आया हूँ। और इस स्कूल में जो है बहुत सारी जैसा बिल्डिंग का मसला है, और यहाँ पर हम जो है इसके लिए एमएलए साहब और डीओ साहब के पास भी हम इसके एक रिप्रेजेंटेशन दिए हुए हैं नई बिल्डिंग के लिए। जैसा कि आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं कि जो पीछे जो बिल्डिंग है, यहाँ पर ये टीन जो है बारिश की वजह से टीन फूटे हुए हैं, और अगर बारिश हुई तो बच्चों को बैठने के लिए मुश्किल हो रही है इसमें। और यहीं पर ये जो कुछ झाड़ है, ये झाड़ जो है ये बाउंड्री वॉल पे लग के, ये ज़्यादा हवाओं की वजह से ये बाउंड्री वॉल पे लग के जो झाड़ एकदम बिल्कुल खरीद गिरने में है, कभी भी गिर सकते हैं। और ये बिल्डिंग भी जो है 1942 का ये बनी हुई है, इतनी पुरानी बिल्डिंग है ये। और इसके लिए हम जो है कलेक्टर साहब और डीओ साहब के पास भी हम इसका रिप्रेजेंटेशन दिए हुए हैं। और जैसा भी ये बच्चे हैं, बच्चों के लिए जो है गवर्नमेंट की बहुत सारी सहूलत है, लेकिन यहाँ पर जो है हमको ऐसी हालात में जो है थोड़ा सा मुश्किल हो रही है हमको ऐसा पढ़ाने के लिए और बच्चों को पढ़ने के लिए। पेरेंट्स भी जो है ये चीज़ देखकर, जैसा ये बिल्डिंग की हालत है, इस चीज़ को देखकर जो है पेरेंट्स भी थोड़ा सा बच्चों को अपने भिजाने के लिए परेशान है, भिजाने के लिए जो लोग भिजाना चाह रहे हैं, मगर भिजाने के लिए थोड़ा सा हम परेशान हैं। सर, स्कूल में करंट कितने दिन से नहीं है, कितने महीनों से नहीं, कितने सालों से नहीं? यहाँ पर हमारा ये जो सेक्शन है ये प्राइमरी सेक्शन, और यहाँ पर हमको जो है ये जो इलेक्ट्रिक सिस्टम, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है ये हाई स्कूल की है, और हमारा जो प्राइमरी सेक्शन है ये सेक्शन जो है प्राइमरी सेक्शन है, और हम यहाँ पर जो है अभी तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। मैं जब से हूँ यहाँ पर, जब से तो जो है इलेक्ट्रिक, कितने दिन से है आप? मैं यहाँ 1.5 साल से हूँ तकरीबन, इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी जब से नहीं है। हम इसके लिए जो है यहाँ करीबी जो हमारे लोकल लीडर है उनसे हम जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में वो दिए हुए हैं रिप्रेजेंटेशन जो है, इसका परमिशन के लिए हम यहाँ पर दिए हुए हैं, नए मीटर के लिए, नए कनेक्शन के लिए दिए हुए हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो है अभी तकरीबन जो है रमज़ान से कुछ दिन पहले जो है पानी की सहूलत भी नहीं थी यहाँ पर, और हमारे लोकल कॉर्पोरेटर मैडम जो है यहाँ पर बोल के स्कूल के खरीद तक जो है एक नई लाइन यहाँ पर डला दिए हैं,
और वहाँ से हमको जो है स्कूल में इसका कनेक्शन लेना है, और जैसा लैट्रिन बाथरूम की सहूलत तो पूरी है हमारे पास, और उसमें हम इसका कनेक्शन देंगे। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पर स्कूल बंद होने के बाद में कुछ गलीजात वलीजात बोल के बता रहे थे। हाँ जी हाँ, ये जो है स्कूल बंद होने के बाद में, क्योंकि यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, इस वजह से जो है कोई गैर आदमी जो है अंदर आके जो है कभी जुआ खेलना, यानी ऐसे जो है गलत काम हो रहे हैं यहाँ पर, शराब पीना, जुआ खेलना, ये चल रहे हैं। तो आप कंप्लेंट नहीं करा इस बारे में? नहीं, इस बारे में हम पुलिस में कंप्लेंट कर रहे हैं, और वो लोग भी जो है बहुत ही बहुत अच्छे तरीके से जो है उनको रोक रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से इसकी कोशिश कर रहे हैं। कुछ तेलंगाना गवर्नमेंट को आप कुछ कहना चाहेंगे, केसीआर साहब को कुछ कहना चाहेंगे स्कूल के ताल्लुक से? भाई देखिए, हमारे जो मोहतरम CM साहब है वो बहुत ही जो है इस चीज़ ये मसले में, एजुकेशन के मसले में बहुत ही जो है संजीदा है, कि थोड़ा जो है इस तरह भी जो है हम तवज्जो दें। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ज़ारा शेख।